वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज जगवीर सिंह बिजनेस कोच। आज की स्ट्रेटजी वॉल्यूम डिस्काउंट। जैसे कि इससे क्या होता है कि आपका जो कस्टमर ऑन एन एवरेज, जो कस्टमर आपका 100 रुपए का सामान खरीद रहा था, वो आप 150 से 200 तक भी जा सकता, हो सकता है 250 भी चली जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसको वॉल्यूम पर डिस्काउंट दिया है, एक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं दिया है। जैसे कि अगर कोई कस्टमर आपके किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए का खरीद रहा है, तो आपने क्या बोला कि ऐसे ही प्रोडक्ट आप 3 खरीद लीजिए, मैं 300 की बजाय आपको 250 में दे दूंगा। आप ऐसा ही और भी बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि किसी प्रोडक्ट के कई सारे और वैरायटी और प्रोडक्ट के आपने कॉम्बो बना दिया कि उस कॉम्बो की कीमत एक्चुअल में आपकी शॉप के अंदर 500 रुपए। आपने अपने कस्टमर को बोला कि इसकी कीमत तो वैसे 500 है, मैं आपको 400 में दे दूंगा, 350 में दे दूंगा। जो भी प्राइस आप फाइनलाइज करें, उस प्राइस को बिल्कुल फ्लक्चुएट ना होने दें, अपने कस्टमर के लिए बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें, उसको एकदम बिल्कुल क्लियर रखें कि इस कॉम्बो को मैं इतने में दूंगा, इस कॉम्बो को मैं इतने में दूंगा। और बेसिकली इन सबकी प्राइस अगर आप देखोगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता ही होता है। तो इन चीज़ों को आप देखते ही रहिए और इन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट भी करते रहिए। ये नई नई स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताते रहिए कि ये सारी स्ट्रेटजीज आपको कैसी लग रही है।